ठीक है, आपने रिहाना की आलोचना की, लेकिन आप उन्होंने 74 करोड़ अपना देश कर से लेके गया, अभी गरीब देश से, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आंकड़े 2020 के हैं, 36 लाख लोग मर जाते हैं इलाज नहीं हो पाने के कारण, और ये सम्मानित सर्वे है, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है, आपके सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए। इसलिए हम देख कर बात करना चाहते हैं, आप तो बस खुश हो गए कि रिहाना आके नाच गई, 74 करोड़ खर्च हुआ। मुझे अंबानी से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे भारत की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपत्ति है कि एक व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है कि इंसान को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये भगत सिंह का भारत नहीं। अगर माननीय रघुवर दास जी जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वर्तमान में, महोदय अभी महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनका सम्मान है, आदर है राज्यपाल महोदय का, लेकिन उनका जो सपूत है जिनका नाम श्री ललित दास है, वो टाटा में IL6 के काम कर रहे हैं, HR को संभाल रहे हैं, वो CSR को देख रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया कि उनकी क्या योग्यता है, वो इस राज्य के नहीं, अगर गैर राज्य से आए हैं तो योग्यता के आधार पर आए होंगे, क्या योग्यता है हम जानना चाहते हैं। क्योंकि आज रात के 12 बजे हम लोग कितना गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एक साधारण सा लड़का जयराम महतो कितना गंभीर विषय खोल के बैठा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं, आप थकते नहीं है, और जैसे ही एक सवाल होता है, नहीं नहीं हमारा रिश्ता रहने दीजिएगा, एक गिलास पानी मिलेगा, उठ के निकल जाते हैं। एक्चुअली देखिए समय नहीं मिल पाता है, लिस्ट जारी होगा, मेरे हस्ताक्षर से होगा, और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे हस्ताक्षर करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा लेटर पेड मेरे घर में है, घर जाने का समय तक नहीं मिल पाता है। कई बार दिनों से मैं घर नहीं जा पाया हूँ, तो जैसे घर जाऊँगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गाँव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है, और इस बेटे ने बिना सदन में पहुंचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। देखिए ये पिंजरे में बंद रहने वाला टाइगर नहीं है, ये उस पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। वो गीत सुने थे ना कि कह सकते हैं कि छात्रों का आंदोलन था, कुछ भाषाएं थी जो हमारे जिला में थोपी जा रही थी, राज्य का भी आंदोलन नहीं था जो स्टार्टिंग हुआ था, ये 2 जिलों का आंदोलन था, लेकिन चूंकि मुद्दा जेन्युइन था और एक ऐसा मुद्दा था जिससे झारखंड की जनमानस शोषित हो रही है, और वह अहम कारण है झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ दबदबा हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, टेंडर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर विभाग में जो है गैर झारखंडियों का यहाँ लगातार दबदबा बढ़ने के कारण यहाँ की जो जनसंख्यिकी है वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ के लोकेलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक जेन्युइन मुद्दा था जो झारखंड की ग्राउंड से एक साधारण छात्रों के द्वारा, जिनमें जयराम महतो कहिए, एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं ने एक बहुत बड़े आंदोलन को तैयार किया, और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा, और हमें आशा नहीं थी कि ये आंदोलन एक दिन इतना बृहद रूप धारण करेगा, इसके चर्चे, इसकी गूंज पूरे देश में, पूरे राज्य में सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक आंदोलन रहा, और चूंकि जेन्युइन आंदोलन था, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित आंदोलन था, इसलिए आज इसको इतनी चर्चा और सफलता मिली। कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों को आपसे उम्मीद था जब आप आंदोलनकारी थे, अब एक राजनेता के रूप में उभर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा इतने दिन? देखिए एक्चुअली जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हम राजनेता में अपने आप को रूपांतरण करना है, हम लोग सोचे थे एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाएंगे, और जाने ही नहीं जाएंगे, आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा, सरकार भाषा को वापस करेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि हम लोग आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर जाने जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ तो लोगों की एक उम्मीद मिली, चौक चौराहा में लोग हमारी वीडियो को सुनने लगे हैं, बाकायदा घर में सुनने लगे हैं, अपने ग्रुपिंग में सुनने लगे हैं कि कोई एक लड़का आया है जो झारखंड के मुद्दे पर बात करता है और निडरता के साथ बात करता है, जो काम विधायक सांसदों को करना चाहिए था ये वो लड़का कर रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग का ग्राफ बढ़ा, हम लोग का ग्रोथ होने लगा, और जो झारखंड के तमाम मुद्दे थे उन पर हम लोगों की एंट्री होने लगी, और पूरे 2 साल भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों का फीडबैक जानना चाहा, तो कहा कि एक सही समय है, मांग है, ये युवा झारखंड है, और यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो जो अपनी एक अलग स्ट्रेटजी और आइडेंटिटी के साथ चुनाव को लड़े, और हम लोगों ने उस पर एक प्रयास किया, और अपनी पार्टी के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी बिगुल फूंकने की तैयारी में। इससे पहले भी जितने भी राजनीतिक दल थे झारखंड में, शुरू से डोमिसाइल और स्थानीय नीति और रोजगार की मुद्दे को लेकर लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन झारखंड का 24 साल हो चुका है, अभी तक इस स्थानीय मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए सबसे पहली बात है कि
गांधी जी या फिर किसी संत की एक कहानी है, मैं रिपीट करूंगा। एक एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ एक वैद्य के पास गई थी इलाज कराने के लिए। तो जब उस वैद्य ने उसके बच्चे को देखा तो उसने कहा कि आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं इसका इलाज ठीक कर दूंगा। तो फिर जब वो महिला 2 दिन के बाद अपने बच्चे के साथ पुनः उस वैद्य के पास आई, उस हकीम के पास आई, तो उन्होंने बताया कि इनका इलाज में क्या करना होगा। बोला ज़्यादा कुछ मत कहिएगा, इनको बोलेगा कि ये गुड़ खाना छोड़ देंगे। तो वो महिला काफ़ी नाराज़ हो गई, बोली महाराज जब हम 2 दिन पहले आए थे और इतने दूर से चल कर आए थे तब भी आप हमको ये बात बता सकते थे कि गुड़ नहीं खाना है। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से साथ कहा कि देखिए देवी, 2 दिन पहले तक हम खुद गुड़ खाया करते थे, आपके जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तभी आज मैं आपके बेटे को सलाह दे रहा हूँ कि गुड़ ना खाए। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पॉलिटिशियन है ये कैसे नीति को बनाएंगे बताइए। किसी की मलेशिया में कंपनी है, किसी की दुबई में कंपनी है, किसी का 24 जिला में से 12 में मकान है, किसी का झारखंड के अलावे अन्य हमारे प्रदेशों में मकान है, फैक्ट्रियां है, कई सांसद ऐसे हैं जिनका 50 से अधिक विदेशी कंपनियों में शेयर है। तो ये लोग कैसे बात कह सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ की बात करेंगे? देखिए ये लोग एक ही शर्त पे बात कर सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ में बात करेंगे। ये लोग कम से कम इन्हें अपनी संपत्ति का 70 से 80% हिस्सा दान करना होगा, क्योंकि हमने विधायक चुना था, हमने सांसद चुना था, हमने व्यापारी नहीं चुना था। और इन्होंने एक व्यापारी होता तो समझ में आता भाई व्यापारी काम है व्यापार करना, वो कफन पे भी व्यापार करता है, लेकिन ये उससे भी गया गुजरा कार्य करते हैं। 90% 10% लोग ईमानदार होंगे, ईमानदार लोगों को मेरा नमस्कार रहता है, लेकिन 90-80% लोग ऐसे हैं जिनको अगर कफन तो छोड़िए, मुर्दे के गुर्दे को गर्दे से उठाकर व्यापार करेंगे, उस टाइप प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वही गांधी की कहानी या फिर जो महात्मा की कहानी सुनी थी, गुड़ खाना छोड़ना होगा तभी आप दूसरे को बोलेंगे कि गुड़ मत खाओ। तो ये लोग भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे तभी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। ये लोग खुद दलदल में फंसे हैं, अनगिनत अगर बोले तो ईमानदारी पूर्वक खाली ईडी छापा मार दे तो हर एक झारखंड के विधायकों के पास कई 1000 करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। आपका मन भी बन चुका है, कई बार आपका बयान भी जरूर हो गया, कहाँ से लड़ने वाले हैं? गिरिडीह लोकसभा, चूंकि मेरा जो घर है, मेरा जो गढ़ है, जहाँ मेरा वोटर आई डी है, जहाँ मेरे मतलब जहाँ मेरी कर्म भूमि है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बाहरी सांसद और विधायक के बारे में हमेशा बोला है, मुखर होकर बोले, और देखा जाए गिरिडीह लोकसभा में हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, और मेरा ये मानना है कि पहला वोट मैं खुद के दूं। धनबाद मेरा वोटर आई डी कार्ड नहीं है, तो धनबाद मेरा वोटर आई कार्ड होता मैं धनबाद ही कुछ करता, लेकिन गिरिडीह और मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा, धनबाद से मैं प्रत्याशी बनूंगा। झारखंड के अलावा, सॉरी गिरिडीह के अलावा कहाँ से आपके प्रत्याशी? कोडरमा, हजारीबाग है, रांची है, और देख रहे हैं कोल्हान की सीटों पर अगर हम लोग अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूती पाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा, चतरा चूंकि केबीसी का सवाल है तो वहाँ से तो हम लोग भागेंगे नहीं, चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर अरविंद केजरीवाल भी जीत करके गठबंधन बनाए थे, कहीं आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन बनाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला बात है, आज तक हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है, जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी हम समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड की आइडेंटिटी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो नेशनल पॉलिटिक्स करती है, हम लोग रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, और जब नेशनल जाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारे विचार, वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है, हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान को समझते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी भिन्नता है। हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, सभी तबका सभी वर्ग के मैंने कल्याण की है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेशनल पार्टी 195 कैंडिडेट का लिस्ट जारी की है, आप सेंट्रल रीजनल पार्टियों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे कैंडिडेट का? लिस्ट एक्चुअली देखिए समय नहीं मिल पाता है, लिस्ट जो जारी होगा मेरे हस्ताक्षर से होगा, और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे हस्ताक्षर करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा लेटर पेड मेरे घर में है, तो घर जाने का समय तक नहीं मिल पाता है। कई बार दिनों से मैं घर नहीं जा पाया हूँ, तो जैसे घर जाऊँगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने बार आप लोगों ने सभा किया है, आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब की क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे?
देखिए स्वाभाविक सी बात है, चुनाव मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, मैनिफेस्टो पर ही लड़े जाते हैं। देखिए हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात है कि गिरडी लोकसभा एक पलायन का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में छोटी बड़ी 2-2.5 हज़ार के आसपास कंपनियां हैं, कई माइंस एरिया हैं, CTPS BTPS के अलावा इस प्रकार कितनी तमाम परियोजनाएं हैं जिन पर रोजगार का साधन है, किंतु पॉलिटिशियन हमारा उदासीन होने के कारण वहां पर गैर राज्यों का दबदबा बढ़ता गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। गैर राज्य के लोगों का हमने कभी यह नहीं कहा कि आए नियम से आए, 25% हिस्सेदारी में आए, 75% निजी सेक्टर में भी झारखंडियों के लिए रहेगा, इस बात पर हमारी लड़ाई है। और मुझे लगता है कि जब हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, सदन पर सार्थक चर्चाएं होंगी, तो रास्ते खुलेंगे, मार्ग खुलेंगे और झारखंड अपनी बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है। और इस बेटे ने बिना सदन में पहुंचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। तो इस बेटे ने 12 करोड़ 35 लाख जो एक बहुत बड़ी राशि होती है केवल सड़क पर आंदोलन करके बिना पद पावर के लोगों तक मदद करवाया। तो अगर इस बेटे को दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप घर बैठे अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए गिरिडीह के लोग मौका देंगे। देखिए उसके लिए आइडियाज होने चाहिए, लघु उद्योग की स्थापना होगी, कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो डैमों में पानी है उनको कोशिश किया जाएगा एक डायमीटर के खेतों तक पहुंचाया जाए, दूसरी फसल के लिए उस पानी का तैयार किया जाए, सड़कों का जो मायाजाल फेंचा है वहां पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग है जिन पर हम लोग चर्चा करके और एक जनप्रतिनिधि जब उस पर हस्तक्षेप करेगा तो बेहतर ही होगी। देखिए जनप्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो निश्चय ही हम लोग उस पर बेहतर कार्य करेंगे। एक समस्या, टाइगर जी दिल्ली आप जाएंगे ऐसा आप सोच रहे हैं, जनता भी सोच रही है कि टाइगर दिल्ली जाएगा, और जिस तरह से सोशल मीडिया में देखे हैं कि टाइगर को पिंजरे में बंद कर देंगे, वहां से दिल्ली जाएंगे? देखिए ये पिंजरे में बंद रहने वाला टाइगर नहीं है, ये उस पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। वो गीत सुने थे ना कि पिंजरे को तोड़ के चिड़िया, वही हाल होगा, ये टाइगर पिंजरे में नहीं रहेगा। आदरणीय पत्रकार महोदय, क्योंकि आप अगर चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लोगों की एक समस्या रहती है कि आम सभा के अलावा अगर लोगों को आपसे अगर अपना समस्या सुनाना है तो क्या कुछ माध्यम रहेगा उसका? जी हाँ, हम लोग का माध्यम है प्रधान कार्यालय है, वहाँ प्रत्येक दिन नहीं करने से भी 30-40 औसत शिकायत आती है। उन शाम को 2 दिन में जब वहाँ जाके हम बैठते हैं तो उन शिकायतों का समाधान करते हैं, टेलीफोनिक समाधान करते हैं। तो हमारा प्रधान कार्यालय जो मानटाण में अवस्थित है, वहाँ जाकर आप अपनी शिकायतों को रखें, हमारे संगठन के साथी वहाँ लगभग 12 घंटा रहते हैं, बैठते हैं, मैंने पाली बाई पाली, तो उनके माध्यम से वो सूचना हम तक आएगी और उस पर हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो छोटा सा बस्ती से निकल के बड़ा हस्ती रघुवर दास जैसे व्यक्ति के बेटे का ऊपर आप मतलब सवाल खड़ा कर दिए? देखिए जो सवाल लाजमी है वो सवाल खड़ा ही होगा। मैंने वही कहा कि अगर पिताजी काबिलियत हो तो उसकी काबिलियत का आधार मान के बेटा को नौकरी नहीं दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर माननीय रघुवर दास जी जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में महोदय अभी महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनका सम्मान है, आदर है राज्यपाल महोदय का, लेकिन उनका जो सपूत है जिनका नाम श्री ललित दास है, वो टाटा में IL6 के काम कर रहे हैं, HR को संभाल रहे हैं, वो CSR को देख रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया क्योंकि क्या योग्यता है, वो इस राज्य के नहीं, अगर गैर राज्य से आए हैं तो योग्यता के आधार पर आए होंगे, क्या योग्यता है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विस्थापित तो नहीं, वो रैयत नहीं, ना उनके पूर्वजों ने झारखंड बनने में आंदोलन किया है। जयराम जी को उनकी योग्यता पर शक है क्या? बिल्कुल शक है, आप सार्वजनिक कीजिए, मैंने सवाल किया है, आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए, उनके एप्लीकेशन नंबर सार्वजनिक कीजिए, उनका रिक्वायरमेंट नंबर जो होता है उसको सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन जो भी है सारी चीजों को सार्वजनिक कीजिए और उनकी योग्यता को भी सार्वजनिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और क्यों नहीं पूछे भाई? कत्ल होगा सुनील महतो का, कत्ल होगा निर्मल महतो का, और ललित दास जी अगर यहाँ CSR को देखेंगे जिसमें करोड़ों रुपए की राशि होती है, तो ये झारखंडियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। भाषा संस्कृति की बात करते हैं और भाषा आंदोलन की शुरुआत धनबाद बुखारे से हुआ था, लोगों का ये नजर था कि कहीं ना कहीं चुनावी बदलाव ही बुखार धनबाद से स्टार्ट होगा, लेकिन
अभी तक जो है वहाँ पर जो है ज्यादा बल जो है नहीं दिया गया चुनावी को लेकर के आपके द्वारा? देखिए वहाँ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, चूंकि लड़ाई एक अस्मिता की भी है, तो वहाँ हम लोग प्रतीक्षा में है कि बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं वो किस प्रकार का पत्ता खोल रही है, उसके बाद हम लोग एक बेहतर रणनीति के साथ धनबाद के चुनावी समर में अपना पांव रखते हुए दिखेंगे। धनबाद गिरिडीह में अभी तक कैंडिडेट बीजेपी नहीं दे पा रही है, तो क्या लग रहा है बीजेपी के साथ? देखिए हम लोग तो अपने आप को इतना भी मियां मिठू नहीं बनेंगे, लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों जो भी लोकसभा है वहाँ जेपी के साथ मजबूत है और कोई भी पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक यहाँ डिले हो रहा है। आपके पास स्थानीय मुद्दा के अलावा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास कोई नेशनल मुद्दा है? रोजगार? बिल्कुल, नेशनल मुद्दा कैसे नहीं, जमीन का मुद्दा नेशनल है, हर किसी को जमीन चाहिए, जो इंसान है उसको जमीन चाहिए। हमारा मुद्दा जमीन का है, हमारी जमीनें आज जिस प्रकार से दोहन की जा रही है, जब हम अपनी जमीनों की चर्चा करेंगे तो उस चर्चे से बाकी राज्य के लोग प्रभावित होंगे। बिल्कुल नेशनल मुद्दे, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अभी उदाहरण के लिए आप देखिए रिहाना का आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, भारत के युवा इसलिए खुश हो रहे हैं कि रिहाना ने कभी स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो रिहाना का स्टेटमेंट गलत नहीं था। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं, मास्कॉम के छात्र हैं, क्योंकि हमें खराब लगा कि हमारे देश को गरीब कहा, लेकिन एक बात है कि कभी कभी भावनाओं से बाहर आना चाहिए, देश प्रेम होना अच्छी बात है लेकिन अनभक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी अगर उसने कहा भी अगर गरीब देश, तो हमें कम से कम फैक्ट चेक करना चाहिए था। मैंने भी फैक्ट चेक किया और ये इंटरनेट से मैंने निकाला, इसमें लिखा है कि भारत की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107 नंबर पे। हरियाणा कोई गलत नहीं भैया, आप भले ठीक है वो विदेश की लड़की है, आप उसका मजाक उड़ा लें, आप उसकी आलोचना कर लें, आप उसकी ट्रोल कर लें, आप उसको एक स्त्री होने के नाते और भद्दी भद्दी बात कह लें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसने कहा है कि भारत एक गरीब देश है, ठीक है भारत में अमीर लोग रहते हैं, नो डाउट बहुत अमीर लोग रहते हैं, अंबानी अडानी जैसे दुनिया में मशहूर लोग रहते हैं, लेकिन जेन्युइन में अगर बड़ी आबादी गरीब है भारत की, उसने बड़ी आबादी की बात कही, अंबानी अडानी की बात नहीं कही। और अंबानी अडानी की बात क्यों करेगी भाई, उन लोग तो सफल लोग हैं, वे सक्सेसफुल लोग हैं, इंसान वही जो गरीबों की बात करता है। तो भारत बड़ी आबादी गरीब है और ये आपका इंडेक्स कहता है, इसको मैं आगे और भी दिखाना चाहूंगा। इसमें आगे बहुत सारी चीजें लिखा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सामने 18 जनवरी 2022 को जब भारत सरकार की ओर से और हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उस समय थे के वेणुगोपाल ने कहा था कि भारत में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुआ, चूंकि सरकार के आंकड़े हमेशा फर्जी होते हैं आप भी जानते हैं। उसी समय जो बहुत सारे लोगों ने अपना ग्राउंड रिपोर्ट देना शुरू किया तो उसमें एक जो चीजें सामने उभर कर आई वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। और जब हमने झारखंड को पाया गया तो झारखंड दूसरे पायदान पर था अपने भूख से मृत्यु के मामले में। और हमने क्या और कहा कि भाई आज वो अपने इस बात का खुशी है कि आपने उसे नचवा दिया, लेकिन आपने इसे नचाने में कितना खर्च किया आपका आइडिया है? 74 करोड़ खर्च किया। देखिए ये चीजें आप ठीक है आपके देश के प्रति उसने अगर ऐसा शब्द कहा आपने आलोचना की, लेकिन थोड़ा सा आपको यथार्थ में सोचना होगा आपने कितना खर्च किया। 74 करोड़, मैं आपको 2020 का आंकड़ा दूंगा, ये आज तक का आंकड़ा है। 2020 में भारत देश में 81.11 यानी मानते के चलते 81 लाख लोगों की मौत हुई थी, मतलब इलाज के दरमियान, उसमें से 36.5 लाख लोग मतलब इलाज सही से और समय पर नहीं मिलने के कारण। देखिए चोट किसी को लगता है, किसी का माथा में लगा तो चलिए उसका नो चांस है कि मर जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग जिनको बचाया जा सकता था, उसमें 36 लाख लोग हैं। 36 लाख का आंकड़ा श्रीमान मायने रखता है, लेकिन आज देखिए आप लोग यूट्यूबर वाले पत्रकार हैं लेकिन कितना गंभीर सवाल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश की एक जो काबिल मीडिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गाय गोबर गुड़ और इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और धर्म पे चर्चा करके डिबेट करती है। बताइए आप लोग अभी सीखने वाले लर्नर पत्रकार हैं, अभी आप लोग यूट्यूबर पत्रकार हैं, और हम लोग देखिए आज रात के 12 बजे हम लोग कितना गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। एक साधारण सा लड़का जयराम महतो कितना गंभीर विषय खोल के बैठा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं, आप थकते नहीं है, और जैसे ही एक सवाल होता है, नहीं नहीं हमारा रिश्ता रहने दीजिएगा, एक गिलास पानी मिलेगा, उठ के निकल जाते हैं। ठीक है आपने रिहाना की आलोचना की, लेकिन आप उन्होंने 74 करोड़ आपका देश कैसे लेके गया अभी गरीब देश से, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आंकड़े 2020 के हैं, 36 लाख लोग मर जाते हैं इलाज नहीं हो पाने के कारण, और ये सम्मानित सर्वे है, ये कोई फर्जी डाटा नहीं, आपके सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए, इसलिए हम देख कर बात करना चाहते हैं। आप तो बस खुश हो गए कि रिहाना आके नाच गई, 74 करोड़ खर्च हुआ, मुझे अंबानी से आपत्ति नहीं है,
लेकिन मुझे भारत की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपत्ति है कि एक व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है कि इंसान को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये भगत सिंह का भारत नहीं है। आपको तकलीफ होगा, होने दीजिए, आपको तकलीफ होता है, होने दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आप सच में भगत सिंह को मानते हैं, आप युवा हैं, आप पत्रकार हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन उससे पहले आप भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो आपको भगत सिंह का वो कथन याद रखना होगा कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो कि अपने आप को उसे बेचना पड़े। आज तो भारत में दोनों चीज हो रहा है, कोई किसी को खरीद भी रहा है और कोई अपने आप को बेच भी रहा है। देखिए एक्चुअली है ना, ये वही लोग ये माने मोदी जी से खुश हैं जिनका कभी उस स्थिति से सामना नहीं हुआ। देखिए मैं मोदी का कभी आलोचना नहीं करता हूं, ना मैं कभी करूंगा, ना मैं हेमंत सोरेन जी की आलोचना करता हूं, ना कभी करूंगा। मैं उनकी नीतियों की बात करता हूं। मैं पहली बात तो प्रार्थना करता हूं कि किसी परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे जो भक्त बन के बैठे हैं सरकारों के, जो आज एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, जहां हेल्थ पे बात होनी चाहिए थी, और आज आप खुश हैं इंडिया पाकिस्तान के नाम पर। मैं पहले प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार में ऐसा घटना ना घटे। आज देखिए, आज जो लोग एक्चुअली जो लोग अंबानी जी के स्टेज पर खान ब्रदर्स को नाचते हुए देखेंगे, वहां भारत की तस्वीर नहीं होती है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक स्टेज पर नाचे, आपने भारत को वहां देखा। जी नहीं, अगर आपको भारत को देखना है तो आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल पर, धक्के खा रहे लोगों से मिलिए, जमीन पर अपना बिस्तर लगाए हुए लोगों से मिलिए, आप चले जाइए किसी कोर्ट कचहरी में दिन भर परेशान लोगों से मिलिए। आपको अगर वास्तव में असल भारत को जानना है तो वहां जाइए जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहां जाइएगा तो भारत सुहाना दिखेगा। वो भारत की असली तस्वीर नहीं है श्रीमान। भारत की असली तस्वीर देखना है तो आपको ऐसे जगहों पर जाना होगा जहां असली भारत रहता हो। आप चले जाइए किसी अस्पताल में, चले जाइए जो सरकारी है, आज आपको पता चलेगा। अभी तो चाची में आज घटना घटा, जो लोग भारत को देखते हैं अडानी परिवार में, जो लोग भारत को देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी में, जो लोग भारत को देखते हैं करीना कपूर का बच्चा होगा, विराट कोहली का बेटा का नाम क्या होगा, उनको जाके देखना चाहिए। आज तो चाची में एक एक्सीडेंट होता है, उस परिवार की कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आज क्या होगा उस परिवार की स्थिति, वहां भारत दिखता है कि अगर वो परिवार का शख्स चला गया तो वो अब स्ट्रांग कैसे होगा, वो अपने आप को बैकफुट पर जो फील कर रहा है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, वहां भारत को देखना चाहिए। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती है, इसीलिए हमें नजरिया बदलने की आवश्यकता है। राम मां तो जैसे युवा, मैं अपने आप को मैंने कभी नहीं कहा कि शरीर, मैं एक विचार के बात करता हूं। जब हमारे जैसे विचार रखने वाले युवा सदन में जाएंगे और सदन पर गंभीर चीजों पर चर्चा होगा तो मुझे लगता है भारत बदलेगा। आज आपने बिल्कुल, आज लगभग हमारे फेसबुक या जितने फ्रेंड थे वो तो बड़ा मजा ले रहे थे कि 74 करोड़ में रिहाना को नचा दिया, लेकिन उनको आंकड़ा देखना चाहिए। इस देश में 2020 में 36 लाख लोग इलाज ना होने के कारण मर गए, इसलिए इतनी पैसों की बर्बादी पे जश्न मनाने जैसा माहौल नहीं है। सोचने विषय है कि भारत इतना अंतर कैसे हुआ भारत की व्यवस्था में, कि कोई इतना अमीर और कोई इतना गरीब, ये अंतर कैसे हुआ, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कैसा हमने प्रजातांत्रिक भारत बनाया है, इस पर सवाल होना चाहिए था, डिबेट इन सब मुद्दों पर होना चाहिए था। लेकिन आज देखिए, आज आप जो लर्नर पत्रकार हैं, जो एक छोटे गांव कस्बे से आने वाले पत्रकार हैं, वो इतने गंभीर विषय से हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन ये विषय ना आज तक में होना चाहिए था, ये ललन टॉप में होना चाहिए था, ये जो जी न्यूज पे होना चाहिए था, ये इंडिया टीवी पे होना चाहिए था, ये एनडीटीवी पे होना चाहिए था, ये देश के तमाम प्रतिष्ठित चैनलों में इस प्रकार के डिबेट्स होने चाहिए थे, चर्चा परिचर्चा होना चाहिए था। वहां गंभीर विषय पर बात नहीं होती है, वहां एक मौलवी जी बैठते हैं, पंडित जी बैठते हैं, और बस उसमें का खेल शुरू हो जाता है और जनता को बरगलाने का काम किया जाता है। फिर कभी इंडिया पाकिस्तान होता है, फिर कभी हिंदू मुसलमान होता है, और ये तमाम आंकड़े जिन पर भारत को बात करना चाहिए था कि भारत कहाँ है हंगर इंडेक्स में, भारत कहाँ है हेल्थ इंडेक्स में, भारत कहाँ है करप्शन इंडेक्स में, भारत कहाँ है एम्प्लॉयमेंट के इंडेक्स में, इस पर कोई बात नहीं कर पाता है। ये मेरे भारत की तस्वीरें, और असली भारत फिर कहेंगे अंबानी जी के बेटे की, जी के जो बेटा का जो शादी हुआ, वहां जो तीनों खान थिरके हैं, वो असल भारत नहीं है मेरे भाई। असल भारत है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, किसी ऐसे जगह पर चले जाओ जहां लोग अपने जीवन को लेकर संघर्ष करते हुए दिखेंगे, वहां असल भारत दिखता है। नहीं लगता आपको बड़े बड़े देश के चैनल को तवज्जो ना देकर अभी आपके साथ जो मौजूद है उन्हें आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप इतना आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं उन्हीं को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज रात के 12 बजे मैं उनको इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मानना है कि ये नौजवान है, इनमें अभी निडरता है, इनमें अभी लोभ नहीं है, ये अच्छा करते हैं। बिल्कुल, अभी तो जो कार्य पत्रकारिता को करना चाहिए था वो यूट्यूबर्स लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज तवज्जो दिया है, और हमेशा मैंने तवज्जो दिया है, और आगे भी हमारा सम्मान रहेगा पत्रकारिता का, हमने हमेशा सम्मान किया है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें भी मालूम है कि जब न्याय का रास्ता
चारों तरफ से बंद हो जाता है तो पत्रकारिता एक विकल्प बचता है, इसलिए आज पत्रकारिता मजबूत होनी चाहिए देश में। और मेरा भी मानना है कि देखिए पत्रकारिता कभी ये जो होता है ना इनको विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए और हमेशा सरकार की नीतियों को उजागर करना चाहिए, उनके सामने मैनिफेस्टो की चर्चा करनी चाहिए। एक काम पूरा होता है तो दूसरे काम पर चर्चा करना चाहिए था, लेकिन आज देखिए हमारा भारत कहाँ है। हम इसलिए खुश हैं कि रेहाना आके डांस कर गई, गरीब बोल रही थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि 74 करोड़ रुपए लेके चली गई, जहाँ 36 लाख लोग बीमारी में इलाज के अभाव में मर जाते। जयराम जी, किस तरह से आप गंभीर मुद्दों को उठाते रहे हैं, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे हैं, पर अभी आप देखेंगे अभी एक वर्तमान में आया है विधवा विवाह को लेकर के योजना चला रही है सरकार, उसको बड़े बड़े मीडिया जगह दे रही है, और आप झारखंड के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं पर मीडिया आपको जगह नहीं दे रही। इसका कारण क्या है कि आप राजनीतिक हाइजैक करने वाले हैं, इसके डर से पॉलिटिकल प्रेशर है क्या? कारण ये है कि देखिए हम लोग आइडियोलॉजी वाले हैं, हमारी आइडियोलॉजी सामने बाकी नेता नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, कहाँ से टिकेंगे? 50,000 करोड़ की संपत्ति रखिएगा और हमारी आइडियोलॉजी सामने टिक पाइएगा? कभी नहीं टिकेगा। तो ये लोग जानते हैं कि इस लड़की को अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो दूर का लंबी रेस का घोड़ा है और स्वाभाविक ईर्ष्या होना स्वाभाविक राजनीति में स्वाभाविक है। तो हम लोगों को मौका ना मिलने का कारण यही है कि उन्हें लगता है कि जब इन्हें मौका मिलेगा ये बहुत जबरदस्त बुस्टअप कर जाएंगे। तो खैर वो क्या कहते हैं ना, सूरज को काले बादल कितने दिन ढक के रखेंगे, इंतजार हम भी करते हैं, सूरज तक दिन निकलेगा उन काले बादलों को चीर कर अपने उजाला फैलाएगा ही फैलाएगा। और नेशनल मीडिया ना सही, आप ही मीडिया हैं, आपके माध्यम से झारखंड के गांव तक कस्बों तक हमारी आवाज जा रही है, ये बड़ी बात है। अब राजनीति के महाकुंभ में कूद भी चुके हैं, बड़े बड़े और भी पार्टियां हैं जो प्रचार जोरों से कर रही है, आपको सहयोग किस प्रकार से मिला रहा है, आपका फंडिंग कहाँ से हो रहा है? देखिए हमारा फंडिंग जनता है, मैंने आपको हिसाब दिया था, मान के चलिए मान लेते हैं 1 लाख लोग ही हमें वोट देंगे, गिरडी लोकसभा में 18 लाख के आसपास वोटर हैं और 1 लाख लोग ही हमें वोट दें, मानते हैं हालांकि ज्यादा जाएगा और जीतने का भी चांसेस हम लोग का बहुत अच्छा है, हमको लगता है जीतेंगे गिरडी लोकसभा। तो 1 लाख लोग अगर हमें वोट देने के साथ साथ अगर 100-100 रुपये देते हैं तो सीधा 1 करोड़ हो जाएगा, अगर वो 1,000 रुपये देते हैं तो 10 करोड़ हो जाएगा। चुनाव 10 करोड़ रुपये मायने है भैया, जिस प्रकार से आप बीजेपी की आलोचना करता है तो क्या लगता है कि बीजेपी के पास में कुछ वैसा मुद्दा बचा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मुद्दा बहुत है लेकिन वो लड़ नहीं पाएगी क्योंकि वो कॉरपोरेट से घिरी हुई है। आज उसी का प्रमाण है कि एक अडानी को खुश करने के लिए हसदेव जंगल कटवाना पड़ा। जिस प्रकार से अगर संविधान के अनुसार हम देखें कि आप लोगों का भाषा संघर्ष समिति बाहरी विधायक या बाहरी लोकसभा संसद का आलोचना किया, लेकिन अगर संविधान की हम बात करें तो संविधान में वो भारत के निवासी हो अलग लोकसभा क्षेत्र से भी लड़ सकता है। बिल्कुल, भारत देश के हमने वो कभी नहीं कहा कि वो ना लड़े, हमने ये कहा कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों, वही लोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं लेकिन अभी बीजेपी का अभी बीजेपी में देखिए तो बिहार के अभी दक्षिणी दिल्ली में आसनसोल का अगर लोकसभा की बात करें जाए तो वहाँ पे बिहार देखिए बंगाल में उनका प्रभुत्व नहीं है, आसनसोल की आसनसोल क्या बात करें दिल्ली की।